नीलोफर कोई आम औरत नहीं है, लेकिन उसने मुझे वहां किस मकसद से बुलाया ये मुझे खोज लगाना होगा कि आखिर वो मुझ तक क्यों पहुंचना चाहती है। इस उलझन को सुलझाना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा मुझे कि नीलोफर कौन है और मुझसे क्या चाहती है। बाबा ये किसका घर है? हम तो राफे आंटी के घर जाने वाले थे ना। ये शम्स का घर है। शम्स ने कहा है कि ये अमल यहाँ पर होगा और हो सकता है कि आरब भी आ चुका हो। परेशान नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो। क्या हुआ? कत्ल हो गया, वो भी बहुत भयानक तरीके से। किसका कत्ल हो गया? जैदी नाम था इस लड़के का, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया इसका। गला घोट के बहुत बुरी तरह से मारा रात में। तुम अभी पूरी तरह से हथियाब नहीं हुए हो, इसलिए जैसे मैं कहती जाऊं वैसे वैसे करते जाओ। मेरे बस में तो मेरा अपना वजूद भी नहीं। मेरी क्या मर्जी हो, क्या मर्जी कर पाऊंगा? ऐसा कोई इख्तियार बचा ही नहीं। जो तुम कहोगी वही करूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरी ताकतें कब बहाल होगी। मुझे भी यहां वही मखलूक लाई है, वही मखलूक जो तुम लोगों को परेशान कर रही है इस घर में, वो लाई है मुझे यहां पे। जहां तक मुझे याद है आपने तो कहा था यहां पे किसी मखलूक का साया नहीं है, तो फिर साया है। बहुत गहरा साया। सिर्फ साया ही नहीं बल्कि क्या कहना चाहते हैं आप? इस घर पे जिन्नात का डेरा है। जिन ज्यादा बसेरा करता है इस घर पे, ठीक कह रहा हूं ना मैं? पहले मुझे सिर्फ शक था, अब मेरा शक यकीन में बदल गया है। वो जिनजादा यही है जिसकी मुझे तलाश है। ये तावीज लीजिए, इसे अपने सीधे हाथ पे बांध लें। चंद दिनों में खुद आपको फर्क महसूस होगा, और अगर नहीं होता है तो मुझे बुला लीजिएगा।
लेकिन इंशाल्लाह इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकते हो? कुछ भी नहीं, एक इंसान एक इंसान को दे ही क्या सकता है। बस मेरे हक में दुआ कीजिए। जी बस इसकी जरूरत नहीं है। मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? बर्बादी की आहट और तुम्हारी बढ़ती हुई मौत की सरसराहट। कौन हो तुम? कौन हो तुम बताओ मुझे। मैं वही हूं जिसका नाम गुड़िया अपने हाथ में लिखकर किसी और की दुल्हन बन गई। गुस्से में क्यों हो तुम? गुस्सा गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? इस दलाल दलाल को तो छोड़ूंगा नहीं। दलाल की वजह से ये हालत है मेरी। इसी के अमल की वजह से ये हाल हुआ है मेरा। इसकी जान लेकर रहूंगा मैं।
अच्छा तो ये वही है और ये तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आया है। नहीं छोड़ूंगा, दलाल को नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब दलाल मुझसे झूठ बोल रहा था। बढ़िया बेटा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बेहतर हूँ लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मैं बताता हूँ तुम्हें। असल में राशिद अंकल, शम्स साहब को बोलने दें ताकि हमें हमारे सवालों के जवाब मिले। देखो बेटा गुड़िया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि तुम पोजेस्ड नहीं हो। अमल के दौरान हसान की रूह का तुम्हारे वजूद में आकर बोलना किसी बात की तरफ इशारा है। अब वो इशारा क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि हसान की रूह हमसे कुछ कहना चाहती है। अब वो क्या बात है ये हम जानने की कोशिश करें। चलो ठीक है, अब तुम थक गई हो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। घर जाओ और आराम करो, ठीक है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ अंकल, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं कल फिर तुम्हें मिलता हूँ, जाता हूँ। गुड़िया को नहीं बताना चाहिए। ऐसे पुरेसरार वाक्य पहली बार महसूस नहीं किया मैंने, मगर जब हसान की रूह ने मेरे अंदर आकर बात की तो मैं कांप कर रह गई थी। मैं जानती थी इन सब पुरस्कार वाकियात के पीछे जरूर कोई वजह है। आप जानते हैं मैंने कितनी बार हसान को अपने इर्द गिर्द महसूस किया, जैसे वो मुझे कुछ बताना चाहता था। मैं चाहकर भी कभी उससे नफरत नहीं कर सकी। दिल के किसी कोने में ये बात दबी थी कि हसान मुझसे शादी से इनकार नहीं कर सकता। गुड़िया क्या कहना चाह रही है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका यूं खुद को जाहिर करना उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है, जैसे कोई अधूरी ख्वाहिश, तड़प या फिर कोई भयानक पोशीदा राज, जैसे किसी हकीकत से पर्दा उतारना चाहता है। क्या मतलब, क्या इन भयानक वाकयात और पुरेसरार बात के पीछे हसान है? कि मैं नहीं जानती, लेकिन शम्स ने जैसा कहा कि यहाँ एक नहीं दो पुरेसरार कुवतें मौजूद हैं। चलें, आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स।
कहाँ गई थी मुझे बगैर बताए? हाँ, और ये आरिफ क्यों ड्रॉप करने आया था तुम्हें? सच सच बोलना मेरे साथ, झूठ नहीं बोलना गुड़िया। मैं राफिया आंटी की तरफ चली गई, पापा भी साथ थे और शम्स भी। मैं मना नहीं कर सकी। हालात बोलो मेरे साथ गुड़िया, एहसान की यादें ताजा करने गई थी ना तुम? अभी तक उसे दिल में बसा के रखा हुआ ना तुमने? आपको शर्म आनी चाहिए एहसान, आप कैसे एक मरे हुए इंसान को अपने और मेरे रिश्ते के बीच में ला सकते हैं? हमारे रिश्ते के बीच में नहीं ला रहा हूँ। तुमने रिश्ता निभाया कब है जो हमारे बीच में लाऊंगा? पागल था मैं जो तुम्हारे पीछे लगा रहा। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, अगर अब तुमने हसान की फैमिली के साथ कोई राबता रखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। मुझे राफे आंटी से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, और दोबारा हाथ उठाने की गलती भी मत करना। और जबान चलने लगी ना तुम्हारी, एहसान, एहसान, छोड़े मुझे। तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। चलो, पर पड़ी रहोगी ना, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। क्या करें? प्लीज मुझे छोड़ दे। बताता हूँ मैं क्या करूँ। एहसान, एहसान, प्लीज दरवाजा खोले। एहसान, सड़ो अंदर अब, पता चलेगा तुम्हें। एहसान, अल्लाह के वास्ते दरवाजा खोल दे। एहसान, गुड़िया में बो रहा था। अम्मी, मैंने खौफ की सरसराहटों को महसूस किया इस घर में। काफूर की खुशबू फैली हुई है हसान के कमरे में। मैंने कई बार किसी गैबी वजूद को महसूस किया उसके कमरे में। हसान हमें छोड़कर चला गया है। वापस कैसे लौट सकता है हमारी दुनिया में? जज्बों का ताल्लुक रूह से होता है, जिस्मों से नहीं। और ऐसे ही कोई जज्बा उसको हमारे बीच में ले आया। अरे, मुझे लगता है कि हसान बहुत तकलीफ में। वो खुद भी तकलीफ में और दूसरों को भी अजियतें पहुंचा रहे। शम साहब ने कहा कि हसान की तमाम इस्तेमाल शुदा चीजों को खत्म करना होगा, उसके कपड़ों को जलाना होगा, और उन्होंने कहा कि वो कोई एक और अमल करेंगे ताकि हसान अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। Yeah.
मम्मी कहाँ है आप? देखिए अपनी गुड़िया को। गुड़िया, कौन है आप? माँ हूँ तुम्हारी। बेटियों को माँ के गम विरासत में मिलते हैं, क्योंकि माएं अपनी बेटियों को जुल्म सहना सिखाती हैं, उसे लड़ना नहीं। और जुल्म उसी पर होता है जो सहता है, ना कि उस पर जो लड़ना जानता है। तुम जहां हो वहां तुम्हें नहीं होना चाहिए था। क्या मतलब मम्मी? जो तुम्हारा था उसे तुम खो चुकी हो, और अब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है। और अब उसका अंजाम बहुत करीब है। हेलो गुड़िया, गुड़िया हेलो। सत गुड़िया ने फोन किया है, कोई बात भी नहीं कर रहा और फोन भी रिसीव नहीं कर रहा। अल्लाह खैर करे, मैं हो जाता हूं। राशिद भाई, आप इस वक्त कहां जा रहे हैं? गुड़िया की तरफ सर। क्यों, सब खैर तो है? खैरियत मुझे कुछ लग नहीं रही गाना बहन। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। आपके साथ नहीं नहीं नहीं, आप घर पे रुकिए, बच्चे घर पे अकेले हैं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अल्लाह मेरी गुड़िया के घर में सब खैर कर।
ये शायद वही जगह थी जहां हसान को कत्ल किया गया। हाँ, इस बात की हकीकत जानने के लिए मुझे बड़ा अमल करना पड़ेगा। अरे भाई आ रहा हूं। हाँ भाई कौन है यार? कौन मामू आप? गुड़िया है। गुड़िया मैं पूछ रहा हूँ। गुड़िया गुड़िया मामू एक मिनट रुके। मामू गुड़िया गुड़िया बात तो सुन ले एक मिनट। मामू एक मिनट रुके। मामू बाबा मामू रुक जाए। बाबा मैं यहाँ हूँ। गुड़िया मामू रुक जाइए, मियाँ बीवी का मामला है, प्लीज आप इसमें दखल मत। चाबी कहाँ है? बाबा दरवाजा खोले। क्या करेंगे आप चाबी का? हाँ जब आपकी इज्जत पड़ी थी तो मैंने आके आपकी इज्जत संभाली थी ना। मामू रुक जाए। मैं क्या बाबा बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम्हें समझते कुछ नहीं बेटा मैं आ गया हूं। आ गया हूं मैं। अरे मुझे क्या पता था कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को एक अंधे कुएं में धकेल रहा हूं। चलो बढ़िया अब तुम यहां एक मिनट नहीं रुकोगी? ठीक है जा रही हो ना गुड़िया, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकालना ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर तुम्हें जो करना है तुम कर लेना, मैं वापस नहीं आऊंगी। चले बाबा। या? क्या हुआ है तुम्हें? क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? राशिद भाई कुछ तो बताएं कि हुआ क्या है, मेरा तो दिल हौला जा रहा है। सुबह बात करें, आराम करने दें। कुछ तो बताओ मेरी जान, हुआ क्या है? तुम्हारी हालत देखकर मैं सो भी नहीं पाऊंगी। जो कुछ भी हुआ पहली बात नहीं हुआ था ना आंटी, बस बाबा ने हसन का असली चेहरा देख लिया। मैं जानती थी वो ये सब देख लेंगे तो मुझे वहां कभी रहने नहीं देंगे। मुझे लगा था मैं उसे बदल दूंगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो वक्त के साथ साथ मजीद चिड़चिड़ा और सपाक होता जा रहा है। ठीक है तुम स्ट्रेस मत लो, मैं वहां नहीं जाना चाहती हूँ। हम इस बारे में सुबह बात करेंगे, बस तुम इस बात का इत्मीनान रखो कि तुम लावारिस नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। हाँ क्या कहा तुमने? तुम वापस जाओगे? तुम अपनी दुनिया में वापस जाओगे? हाँ मुझे अब इंसानों की दुनिया में नहीं रहना।
वापस जाना होगा, जाना होगा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो फिरोज? तुम तो इस दुनिया में रहना चाहते थे ना, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम वापस जाना चाहते हो? तुम प्लीज वापस मत जाओ। मेरे लिए अब ये मुमकिन नहीं है नीलोफर। लैला की मोहब्बत खींचती है मुझे उसकी तरफ और मुझसे रहा नहीं जाता। यहां रहा तो उसकी जिंदगी में मदाखलत करता रहूंगा, उसे बार बार तकलीफ होगी और लैला को तकलीफ हो ये फिरोज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये नहीं फिरोज, लैला तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है और वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। तुम कुछ ही दिनों में उसे भूल जाओगे फिरोज, तुम कुछ दिनों में उसको भूल जाओगे। तुम मानो मेरी बात, तुम अपनी दुनिया में वापस मत जाओ। नहीं नीलोफर, मैंने फैसला कर लिया, मैं अब इंसानों की दुनिया में नहीं रह सकता। कैसे रहूं जब मैं लैला से नहीं मिल सकता, उसे देख नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता। ये अधूरापन मुझे मार देगा नीलोफर। जाना होगा, वापस जाना होगा। नहीं फिरोज, तुम जानते हो कि जब एक जिन इंसानों की दुनिया में रहने का आदी हो जाए तो वो वापस अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता है। तुम फिरोज, तुम समझो ये बात, तुम वापस नहीं जा सकते। मैं फैसला कर चुका हूं नीलोफर, और तुम जानती हो कि जब फिरोज कोई फैसला कर ले तो उससे पीछे नहीं हटता। तो बदल दो अपना फैसला, फैरोज। क्या पता कल को लैला भी मेरी तरह तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो जाए और तुम्हें ढूंढती फिरे। क्या पता कोई अनहोनी हो जाए और तुम्हें लैला वापस मिल जाए। तुम अपना फैसला बदल दो फैरोज। काश कैसा हो नीलोफर, लेकिन मैं लैला को जुबान दे चुका हूं, उससे नहीं मुकर सकता। वादा कर आया था कि अपनी दुनिया में वापस जाऊंगा, तो जाना तो होगा ना। नहीं नहीं जा सकते तुम वापस। बाबा की जान ने एक कंप्लीट रेस्ट करना है, अब खेलना मत, ठीक है? बाबा आप मेरे लिए फ्रूट केक और केले भिजवा दीजिएगा और सारी आंटी को बोलिएगा कि मेरे लिए कस्टर्ड बना दे, क्योंकि मैं रोटी तो नहीं खा सकती हूँ। हाँ ये तो है। ठीक है, मैं चाचू के हाथ कस्टर्ड का सामान भिजवा दूंगा। सादिया काइंडली आप इनको कस्टर्ड बना दीजिएगा। जी सर जी। वो पिज्जा आपको बर्गर तो नहीं ना चाहिए? ठीक है फिर पिंकी के लिए। क्यों पिंकी? पिंकी बहन का ख्याल रखना, ठीक? ओके मेरी जान, मैं चलता हूं। अरे मुझे क्या पता था कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को एक अंधे कुएं में धकेल रहा हूं। जा रही हो ना गुड़िया, अगर तुमने एक कदम भी इस घर से बाहर निकाला ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर तलाल मैं घर पर अमल शुरू कर रहा हूं और तुम कब्रिस्तान में हसन की कब्र के पास अमल करोगे, और जैसे ही तुम्हारा अमल पूरा हो जाए तावीज को हसन की कब्र पर रख देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। परेशान मत होना, हो सकता है इस अमल को रोकने की कोशिश की जाए, और तुम किसी के भी धोखे में मत आना, एहतियात लाजमी है। आप फिक्र मत कीजिए शम साहब, मैंने जिंदगी में इतने धोखे खाए हैं और उनसे इतना कुछ सीख गया, अब सब समझ गया। आप अपना अमल कीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। तो ठीक है, तुम कब्रिस्तान पहुंचो, मैं भी घर में अमल शुरू करता हूं।
क्या बात है, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रहे? पता नहीं बाबा, भूख नहीं है। तो बेटा अगर ये सब खाने का दिल नहीं चाह रहा तो कुछ मीठा खा लो। गुड़िया बेटा, जो होना था वो हो चुका बेटा, और तुमने वैसे भी पिंकी की शादी की तैयारियों के लिए तो आना ही था, तो बस फिर फ्रेश माइंड होकर शादी की तैयारियां करो। बाकी सबको मैं देख लूंगा खुद ही, ऐसा और खाला की फिक्र नहीं करो, बात कर लूंगा मैं उनसे। ये पिंकी कहाँ है, खाना क्यों नहीं खा रही? बाबा मैं बुला के आती हूँ। खाना खाओ तुम। बाबा उस शख्स ने गुड़िया पे हाथ उठाया, आपने ऐसे होने कैसे दिया? उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? प्यारे तुम अभी बच्चे हो, मामला बहुत नाजुक है, इसे मुझे ही हैंडल करने दो। लेकिन इस बात का यकीन रखो, गुड़िया उस घर में वापस नहीं जाएगी। खाना खाओ।